हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायोसाइंस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग कवर कर रहे थे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो हम लोगों ने मार्फोलॉजी में कवर कर लिया है रूट को, स्टेम को, लीव को। आज इनफ्लोरिसेंस कवर करेंगे और इसके बाद मंडे को हम लोग फ्लावर और फ्रूट और सीड कवर करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद थर्सडे को हम लोग इसका एमसीक्यू पार्ट पूरे चैप्टर का कवर कर देंगे। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू पार्ट लगाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है तैयारी हो सके, एग्जाम्स से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, जो भी एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाए। मैंने इस डिटेल में जाने की कोशिश की है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रूट खत्म कर दिए हैं। टाइप्स ऑफ रूट भी अच्छे से मैंने कवर किया है। एडवेंटियस रूट कैसे होते हैं, रीजन कहाँ कहाँ पे वो ग्रो करते हैं, कौन से रीजन से मॉडिफिकेशन स्टार्ट होता है। और ये स्टेम था, स्टेम का पूरा एक एक चैप्टर मैंने अच्छे से कवर किया है। स्टेम का एक एक पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक, बर्डिंग, एक्सिलरी बर्डिंग क्या होती है, टाइप्स जैसे होते हैं, मॉडिफिकेशन स्टेम जो होते हैं, राइजोम्स वगैरह, ट्यूबर वगैरह, बल्ब वगैरह, एंटीनिकेट बल्ब जैसे फॉर्म होते हैं, एक्सिलरी बर्ड कहाँ से फॉर्म होते हैं। इसके बाद स्केली जो रीफ होता है उसका एरियल जो स्टेम होते हैं उसके, स्टोलियन स्टेम, सकर स्टेम, ये जितने भी तरीके के स्टेम होते हैं मैंने सारे स्टेम कवर किए हैं। आप लोग के एग्ज़ाम में कभी कभी ये पूछे जाते हैं, वुलविल टाइप का स्टेम पूछा गया था एग्ज़ाम में, ये लीफ का था। लीफ के जितने भी वेनेशन थे, वेनेशन कितने टाइप के होते हैं, ये सारे मैंने पिक्चर के थ्रू और डिटेल में एक एक विनेशन को कवर करने की कोशिश की है। जैसे जितने भी लीफ होते हैं लीफ का टाइप भी कवर किया, कंपाउंड एंड सिंपल लीफ में मैंने डिफरेंस भी बताया था। और जब लास्ट में ये ख़त्म हो गया था तो मैंने इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक पॉइंट बताए थे, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं लास्ट वाला जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, सबसे पहले द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। ये जैसे फ्लावर अरेंज है कहाँ से, डायरेक्ट क्या होता है, एक पेडिकल्स है वहां से निकला और सिंगल डायरेक्ट एक पेडिकल्स पे एक फ्लावर ग्रो किया। एंड ऑन अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑन टॉप ऑफ द प्लांट व्हिच बियर फ्लावर इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस। जो टॉप ऑफ ब्रांच होती है जो फ्लावर को कैरी करती है उसको क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया, इनफ्लोरेसेंस का स्ट्रक्चर ये पूरा। सम टाइम द फ्लावर आर बॉर्न सिंगली, कुछ फ्लावर जो होते हैं सिंगली बॉर्न होते हैं। जैसे ये तो यहाँ पे ग्रुपिंग कर गया, ओके, यहाँ से यहाँ से, लेकिन कुछ होते हैं सिंगली बॉर्न होते हैं। एक मिनट, लाइन छोड़ दी। इनफ्लोरेसेंस द एक्सिस ऑफ इनफ्लोरेसेंस स्काय पेडिकल्स, जो ये एक्सिस पार्ट होता है ये वाला पार्ट, ओके, कौन सा वाला, जो मेन एक्सिस का पार्ट होता है ये पूरा, ये जो गया है पूरा ये यहाँ से, ये इसे पेडिकल्स पेडिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडिकल्स बोलते हैं, पेडिकल्स, पेडिकल्स। सम टाइम फ्लावर्स आर बॉर्न सिंगल, कुछ फ्लावर जो होते हैं सिंगल बॉर्न होते हैं, अरेंज एंड सेड एज सॉलिटरी टर्मिनल। और ये सॉलिटरी टर्मिनल देखें, यहाँ पे तो ये एक ही बंच पे काफी फ्लावर ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कुछ होते हैं केवल एक बंच पे एक ही फ्लावर ग्रो करते हैं तो उसे सॉलिटरी टर्मिनल बोला जाता है। लेकिन ये सॉलिटरी फ्लावर जो होते हैं बॉर्न होते हैं टिप पर, एट द टिप, टिप पर बॉर्न होते हैं और ब्रांच मेन स्टेम पे ब्रांच होते हैं। दे आर डिस्क्राइब एज सॉलिटरी टर्मिनल, जैसे पॉपी प्लांट होता है, आप धतूरे का प्लांट देखे होंगे, पॉपी प्लांट जो होता है वो क्या होता है, मेन बॉर्न एट एक्साइल ऑफ अ फोलिएज लीफ एंड टर्मिनल इज कॉल्ड एज सॉलिटरी बर्ड्स। जैसे पेटूनिया हो गया, गॉर्डन नर्चेटियम हो गया, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस हो गया, ये जितने भी होते हैं ये कैसे बॉर्न होते हैं, एक्साइल पे बॉर्न होते हैं, सॉलिटरी फ्लावर देखने को मिल रहा है। यहाँ से तो ये ब्रांच बना रहा है बट यहाँ के बाद कोई दूसरा फ्लावर नहीं बन रहा है, ये सिंगल फ्लावर है, तो ये क्या हो गया, सॉलिटरी देखने को मिलता है। ये आपका जो मेन एक्सिस होता है इनफ्लोरेसेंस का उसे पेडिकल्स बोलते हैं, और जो इसके बाद का ये एक्सिस होता है इसे पेडिसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडिसिल्स बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है ये बाहर की तरफ जो निकला हुआ इसी इपिकैलक्स बोलते हैं,
ओके, इपिकैरक्स बोलते हैं। और इससे जो होता है, इसे क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है इसे कैलेक्स बोलते हैं, और इसे पेटल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इनफ्लोरिसेंस कितने टाइप के होते हैं। इनफ्लोरिसेंस की अगर बात करें तो इनफ्लोरिसेंस 3 तरीके के होते हैं, रेसिमोस, साइमोस एंड स्पाइरल टाइप। कौन कौन से? रेसिमोस, साइमोस एंड स्पाइरल टाइप। अगर रेसिमोस की बात करें कि रेसिमोस फ्लावर कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनडिटर्मिनेट होते हैं, इनडिटर्मिनेट होते हैं। और जो इनकी टिप होती है, इनकी जो टिप होती है कहाँ पे होते हैं, एक्सिस ऑफ टिप पर ये कंटिन्यू ग्रो करते हैं। फ्लावर प्रोड्यूस लेटरल प्रोड्यूस होता है और शॉर्टेन होते हैं। अगर रेसिमोस फ्लावर की और भी बात करें तो जो रेसिमोस फ्लावर होते हैं वो जो पेडिकल्स ग्रो करते हैं इनडिफिनेटली ग्रो करते हैं। इनडिटर्मिनेशन का मतलब हुआ जो पेडिकल्स ग्रो करते हैं इनडिफिनेटली ग्रो करते हैं, उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं हो, एंड बियर करते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में, एक्रोपिटल ऑर्डर में रहते हैं। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब होता है और ओल्डर जो सबसे पुराना जो वंश होता है वो बियर बेस होता है, मतलब वो बेस की तरह काम करता है, और जो न्यू बॉर्न होता है वो उस पर ग्रो करता है। ओके, मतलब जो पुराना होता है बेस की तरह और यंगर फ्लावर नियर द एपेक्स एंड ग्रोइंग पॉइंट की तरह ये ग्रो करता रहता है। समटाइम जो पेडिकल्स होते हैं निस्टा डेवलपिंग के बजाय लॉन्ग एक्साइल में डेवलप करते हैं, और जब ये लॉन्ग एक्साइल में डेवलप करते हैं कंडेंस मैनर में राउंडेड स्ट्रक्चर में, इसे रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। इन दिस केस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल टाइप का बोलते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें कि जो फ्लावर होते हैं वो कितने तरीकों के, रेसिमोस टाइप की बात करें तो रेसिमोस टाइप अगेन डिवाइडेड है मेन एक्सिस इलांगेटेड, जो मेन एक्सिस इलांगेशन पर, मेन एक्सिस फ्लैटेन टू फॉर्म रेसेप्टिकल्स। तो सबसे पहले देखते हैं मेन एक्सिस इलांगेशन, ये देख सकते हैं ये रेसिमोस फ्लावर है, ये पेनिकल्स है, ये स्पाइक है, ये कैटाकैलिन है, और ये कोलम्बिन है, ये उम्बेल है, ये कंपाउंड उम्बेल है, ये कैसिपिटल है। तो देख सकते हैं रेसिम टाइप का कैसा दिख रहा है, एक फ्लावर यहाँ तो अदर इज ग्रोन दिस साइड, वन इज को अल्टरनेटिव ग्रो कर रहा है। ओके, तो देख लेते हैं पहले उसके थ्रू। तो कह रहा रेसिम टाइप क्या होता है, स्टार्क फ्लावर लेटरल बॉर्न। अपने अभी आप ये देख ले जो स्टॉक फ्लावर थे कैसे ग्रो कर रहे थे, लेटरल ग्रो कर रहे थे। ओके, लेटरली ग्रो कर रहे थे, तो उस टाइप को क्या बोलते हैं, स्टार्क फ्लावर कैसे ग्रो करते हैं, लेटरली ग्रो कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पेनिकल्स टाइप। पेनिकल्स टाइप में क्या होता है, ब्रांच्ड रेसिमोस, ब्रांच दिखते हैं जैसे गुलमोहर का आप पौधा देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, रेसिम का डेल्फिनिया होता है एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या रेसिम का डेल्फिनिया हो गया, ल्यूपिनस हो गया जिसे ल्यूपिन बोला जाता है, और इसे लक्सपुर बोला जाता है, इसे लक्सपुर बोला जाता है। ओके, लक्सपुर तो लार्कस्पुर। ओके, इसे इसके और एग्जाम्पल है ल्यूपिनिया। अगर आते हैं सेकंड है क्या, प्यूनिकल्स टाइप। प्यूनिकल्स टाइप में क्या होता है, वो ब्रांच रेसिम दिखाते हैं, और गुलमोहर का इसका बेस्ट एग्जांपल, गुलमोहर का गुच्छे हुआ जो पौधा होता है उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पाइक टाइप। स्पाइक टाइप का क्या, तो कैसा होता है, स्पाइक टाइप का जो होता है इनफ्लोरिसेंस जो होते हैं ये रेसिम जो होते हैं विद सेसाइल फ्लावर दिखाए जाते हैं। सेसाइल, अगर इनफ्लोरिसेंस की बात करें तो इनफ्लोरिसेंस जो होते हैं सिमिलर होते हैं रेसिम होते हैं, और जो बट जो फ्लावर होते हैं वो सेसाइल होते हैं। इनफ्लोरिसेंस तो रेसिम होते हैं लेकिन जो फ्लावर होते हैं वो सेसाइल होते हैं। ये इसका कह सकते हैं, अगर इसको फिर से डिवाइड किया जाए तो ये होता है फ्लावर स्टॉक टाइप, स्टॉक जिसमें देखने को मिलता है स्टाल्क, और दूसरा फ्लावर सेसाइल टाइप।
जो फ्लावर से साइल्ड होते हैं। ओके, तो ये दो तो रेसिम टाइप का फ्लावर जो होता है वो स्टार्क टाइप होता है, इसमें स्टार्क देखने को मिलता है, लेकिन जो पेनिकल्स टाइप में भी स्टार्क देखने को मिलता है, लेकिन जो स्पाइक होते हैं वो सेसाइल होते हैं। इसके बाद आता है कंपाउंड स्पाइक या स्पाइकलेट, ये भी जो होते हैं सेसाइल होते हैं। एक्सिस ब्रांच मेड अप ऑफ स्पाइकलेट कंटेनिंग वन आर मोर फ्लावर रखते हैं, जैसे अमेरेंथस हो गए। इसमें क्या हो गया, अमेरेंथस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और अगर स्पाइक और कंपाउंड स्पाइक के अदर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एकायरेंथस भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद कैलिस्टोन जिसे बॉटल ब्रश बोला जाता है वो भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एंटीरेनम जो होता है डॉग फ्लावर जिसे बोलते हैं वो भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। पीपल ल्यूगम जो होता है लॉन्गम जिसे पेपर लॉन्ग बोलते हैं, सॉरी लॉन्ग पेपर बोलते हैं, वो भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल। एमेरेंथस है ही इसका बेस्ट एग्जाम्पल। तो ये जो होते हैं स्पाइक और कंपाउंड स्पाइक का एग्जाम्पल मैं बता रही थी। सेकंड है कैटकिन। कैटकिन क्या होता है, ये भी सेसाइल होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। एक्सिस पेडुलस होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है मोरसिया जिसे मलबरी बोलते हैं। कैटकिन जो होता है एक स्पाइक होता है जो कि एक्सिस जो होती है इसकी थिन होती है, जिसका मेन एक्सिस जो होता है वो बहुत पतली होती है, थिन होती है, वीक होती है। फ्लावर जो होते हैं सेसाइल होते हैं, बॉर्न होते हैं एक्रोपिटल टाइप। एक्रोपिटल टाइप में मतलब क्या होता है, फ्लावर ऐसे टाइप में होते हैं, इसका यहाँ पे बॉर्न होगा नीचे की तरफ, एक्रोपिटल नीचे की तरफ बॉर्न होते हैं, वन बाई वन एक्रोपिटल टाइप। ओके, वन बाई वन एक्रोपिटल टाइप में बॉर्न होते हैं, ऑर्डर में होते हैं स्पाइक की तरह। और जो कैटकिलिन होते हैं मोस्टली पेडुलस होते हैं, और फ्लावर जो होते हैं यूनिसेक्सुअल, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। जो पेडुलस फ्लावर पेंडुलस होते हैं एक्सिस देखने को, पेंडुलस मतलब गोल टाइप की एक्सिस हो जाती है, और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और ये सेसाइल होते हैं। ओके, और जो ड्रॉप ऑफ होल व्हेन दे मैच्योर, ये सब कुछ खत्म कर देते हैं जब ये मैच्योर रहता है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल और है साइलेक्स जिसे बीडो बोला जाता है, बिलोड बोला जाता है, मोरस मलबरी जो पॉपुलस जिसे पोलर पॉपुलर बोला जाता है, एक्लाइफा जो होता है जिसे क्रोटन बोला जाता है, बेटुला इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, बेटुला भी है। फिर सेकेंड आता है स्पैराडिक्स। स्पैराडक्स की बात करें कि स्पैराडक्स जो होता है, स्पैराडक्स जो होता है एक तरीके का ये मॉडिफाइड होता है, मॉडिफाइड ऑफ स्पाइक, ये मॉडिफाइड पार्ट होता है किसका, स्पाइक का जो मॉडिफाइड पार्ट होता है उसे ही स्पैराडक्स बोलते हैं। ये क्या होता है, हैविंग थिक, थोड़ा सा थिकी होता है, फ्लैसी पेंडिकल्स रखता है, थोड़ा सा मोटा और फ्लैसी टाइप में होता है, जो कि वेरियस कलरेशन और अपर साइड में शो करता है। फ्लावर जो होते हैं कवर्ड होते हैं बाई वन आर मोर स्पैथी ब्रांचेज में। फ्लावर जो होते हैं वन आर मोर स्पैथी ब्रांचेज में, आप जैसे देख सकते हैं बनाना है, मैंने बताया इसका फ्लावर कैसे होता है, स्पैथी ब्रांचेज में अरेंज होते हैं, ऐसे बंद होता है स्पैथी ब्रांचेज में, ब्रैक्ट में जो होता है अरेंज होते हैं। और फ्लावर जो होते हैं स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। ओके, फ्लावर जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, और जो जो लोअर फ्लावर होता है जिसे पेंडिकल्स ऑन पेंडिकल्स आर यूजुअली फीमेल, जो नीचे का फ्लावर होता है आपके लिए का, नीचे का फ्लावर वो फीमेल होते हैं हमेशा, जो क्या होते हैं वो स्पैंडिक्स में वो फीमेल होते हैं, एंड अपर जो पार्ट होता है उसका क्या होता है वो मेल होते हैं। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर सेपरेटली बाई से स्टेराइल और हेयर, स्टेराइल हेयर्स एंड न्यूट्रल फ्लावर जो होते हैं स्पैथी में भी ब्राइट कलर्ड एंड स्पॉटेड और ग्रीन कलर के हो सकते हैं। अगर अपर स्टेराइल अट्रैक्शन की बात करें तो ये होता है अपेंडिक्स टाइप का, और अगर अदर एग्जांपल की बात करें बनाना के बजाय ये ब्रैक्ट में बंद होता है, ब्रैक्ट कलर्ड देखने के बाद इसमें जो आप देखते हो कवरिंग होती है वो कलरफुल होती है, और जो एक्सिस होता है फ्लैसी टाइप में होता है। फ्लावर जो होते हैं सेसाइल होते हैं, बनाना इसका बेस्ट एग्जांपल है। अगर अदर एग्जांपल की बात करें तो कैलोकेसिया जिसे आरुम बोलते हैं वो भी होता है। एक और होता है बनाना जो इसका बेस्ट एग्जांपल है ही है, एक होता है एमोर्फोफाइलस जो होता है, ये भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आगे चलते हैं,
इसके बाद मेन एक्सिस की बात आ जाती है। मेन एक्सिस क्या होता है? ओके, मेन एक्सिस में क्या होता है? कॉरिम्बस, कॉरिम्ब टाइप का देखने को मिलता है। कॉरिम्ब क्या होता है? सबसे पहले जिसे अगर कह सकते हैं, पेडिकल्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। इसमें इसमें क्या होते हैं? पेडिकल्स जो होते हैं वो छोटे ही होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। तो इसमें फ्लावर स्टाल्क इज अनइक्वल, जो स्टाल्क होता है वो अनइक्वल होता है। फ्लावर लाइज ऑन द सेम लेवल। आइवरिस अमारा इसका एग्जाम्पल है, जिसे कैंडिडा बोला जाता है। अगर इसे कॉरिम्ब की और भी बात करें, तो इसमें जो पेंडुकल्स होता है वो शॉर्ट होता है। पेडिसिलेट फ्लावर देखने को मिलते हैं, बॉन डिफरेंट पॉइंट पे बॉन होते हैं। जो वो पेडिकल्स होते हैं, पेडिकल्स ऑफ लोअर ऑर्डर में देखने को मिलता है फ्लावर में। लॉन्गर अपर जो पार्ट देखने को मिलता है। अगर आइवरिस कैंडी टफ की बात करें, चेरी जो होती है इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कंपाउंड कॉरिम। कंपाउंड कॉरिम में भी वही होता है, सेंटर एक्सिस ऑफ कॉरिम ब्रांचेज होते हैं। सेंटर एक्सिस से बहुत सारी ब्रांचेस टाइप में ऐसे निकली होती हैं। ईच ब्रांच बियरिंग कॉरिम, जिसे पायरस एग्जाम्पल इसका अगर बात करें तो पायरस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, मस्टर्ड कह सकते हैं, मस्टर्ड भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अम्बेल की बात करें, डी है। अगर अम्बेल की बात करें तो इसमें जो पेंडिकल्स होता है वो सप्रेस्ड टाइप का होता है, सप्रेस्ड टाइप का देखने को मिलता है। अगर अम्ब्रेल की बात करें, अम्ब्रेल जो होता है, जो पेंडिकल्स होता है रिड्यूस्ड होते हैं, रिड्यूस्ड टाइप के होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। जो पेडिसिलेट फ्लावर होते हैं अपियर होते हैं क्लस्टर फॉर्म में, क्लस्टर फॉर्म में इसमें फ्लावर जो होते हैं अपियर होते हैं। फ्लोरल स्टार्क इक्वल होते हैं, फ्लावर लाइज ऑन द सेम लेवल पे होते हैं, और क्या होते हैं क्लस्टर फॉर्म करते हैं। यंगेस्ट फ्लावर क्या होते हैं? सेंट्रल में होते हैं। ओल्डेस्ट फ्लावर पेरिफेरल पार्ट में होते हैं, मतलब जो यंगेस्ट होता है वो सेंटर में होगा, और जो ओल्डेस्ट होंगे वो पेरिफेरल पार्ट में होंगे। ओके, पेरिफेरल पार्ट में बनाते हैं, जिसे सेंटिपीटल ऑर्डर कह सकते हैं, जिसे सेंटिपीटल ऑर्डर फॉर्म करते हैं। नंबर ऑफ जो ब्रैक्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्वोलक्रेट फॉर्म में होते हैं, और बॉर्न एट द बेस ऑफ फ्लावर पे वो बॉन्ड करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोकोटिलीडंस जो होते हैं, हाइड्रोकोटिली जो होता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एशियाटिका का पार्ट होता है। एशियाटिका इसका ऑर्डर सीरीज सॉरी स्पीसीज है एशियाटिका। ओके, इसे हाइड्रोकोटिली बोलते हैं। और अगर एक्सिस जो होते हैं अम्बेलिकल ब्रांच के, अम्बेलिकल ब्रांच के क्या एक्सिस जो होते हैं कंपाउंड हो जाए, कंपाउंड अम्बेलकर। ओके, ये रहा कंपाउंड अम्बेलकर। जो एक्सिस अम्बेलकर ब्रांच, ईच ब्रांच बेयरिंग अम्बेल, जितने भी ब्रांच होते हैं क्या रखेंगे? अम्बेल रखते हैं। कंपाउंड कम क्या होते हैं? एक्सिस जो होती है ब्रांच की, वन गेट कंपाउंड अम्बेल। इसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फनल। फनल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसे आप सॉफ्ट कहते हैं। कोरिएंडर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कैरेट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर फेनल का साइंटिफिक नाम बताएं तो वो होता है फेनिकुलम। कोरिएंडरम जो होता है वो कोरिएंडर का होता है। और इसके बाद होता है डुकुस कैरोटा जो होता है वो होता है कैरेट का। इसके बाद आ जाते हैं मेन एक्सिस फ्लैट टू फॉर्म रिसेप्टिकल्स, जो रिसेप्टिकल्स फॉर्म करते हैं उनके बारे में है। तो इसमें सबसे पहला है कैपिटुलम, कैपिटुलम और हेड। कैपिटुलम क्या होता है? फ्लोरेट एराइजेस फ्रॉम द डिस्क लाइक रिसेप्टिकल्स फॉर्म में एराइजेस होते हैं। फ्लावर जो होते हैं डिस्क टाइप में फॉर्म करते हैं, जैसे आप गोल गोल गोला सा डिस्क देखे हैं उसी टाइप में वो एराइजेस करते हैं। द कैपिटुलम इनका जो मेन कैरेक्टर इन फ्लोरिसेंस फैमिली जो होती है वो कंपोजिटी फैमिली इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल अगर कभी पूछ ले, कंपोजिटी जो फैमिली होती है उसका बेस्ट एग्जाम्पल, उसके जितने भी फ्लावर होते हैं उसका उसमें कैसा इनफ्लोरिसेंस देखने को मिलता है, कैपिटुलम टाइप का देखने को मिलता है।
तो जो पेंडिकल्स होते हैं फॉर्म करते हैं फ्लैटेंड टाइप में, अ मोर और लेस कॉन्वेक्स रिसेप्टिकल देखने को मिलता है। बेरी स्मॉलर सेसाइल फ्लावर होते हैं। फ्लोरेट जो होते हैं अरेंज होते हैं सेंटीपीडल ऑर्डर में, अभी मैंने बताया था सेंटीपीडल। तो फ्लोरेट फ्लोरेट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं सेंटर में, और रिसेप्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्क फ्लोरेट में फॉर्म करते हैं। ओके, जो कि पेरीफेरल फ्लोरेट जो होता है उसे कहते हैं रे फ्लोरेट। जो पेरिफेरल फ्लोरेट होता है उसके जो किनारे का फ्लोरेट होता है उसे रे फ्लोरेट कहते हैं, और जो होल कैपिटुलम सराउंडेड करता है उसे इनवोलुक्री या ब्रैक्ट बोलते हैं। इस पूरे को जो सराउंड किए रहता है उसे ब्रैक्ट बोलते हैं। जैसे केले का जो पूरा फल को सराउंड किए रहता है उसे ब्रैक्ट बोलते हैं, वैसे जो पूरे को फ्लावर को सराउंड किए रहता है उसे ब्रैक्ट बोलते हैं। ये डिस्क और रे फ्लोरेट जो होते हैं अलाइक्स दियर सेक्स एंड सिमेट्री जो होते हैं इनफ्लोरिसेंस को डिस्क्राइब करती है। क्या होमोजाइगस कैपिटुलम देखने को मिलता है। और इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सनफ्लावर, आप देख ही रहे हैं सनफ्लावर इसका बेस्ट एग्जांपल है। और भी इसके जैसे बेस्ट अगर एग्जांपल की बात करें एग्विलेटम जो होता है, सैंक्यूस जो होता है, हेलियंथस एनम्स अभी मैंने बताया, मैरीगोल्ड जो हो गया, मैरीगोल्ड आप देखे होंगे, गेंदे का फूल जिसे बोलते हैं, जेनिया हो गया, ये सब जितने भी होते हैं वो कितने आते हैं कैपिटुलम टाइप का। नेक्स्ट आ जाते हैं साइमोस टाइप का। साइमोस टाइप का जो होता है इनडेफिनिट, सॉरी डेफिनिट, इसमें क्या होते हैं डेफिनिट इनफ्लोरिसेंस। साइमोस का मतलब होता है जो इनफ्लोरिसेंस होते हैं डेफिनिट साइट के होते हैं, डेफिनिट टाइप के होते हैं। अभी मैंने जब रेसीम बताया था तो क्या होता है इनफ्लोरिसेंस इनडेफिनिट टाइप के होते हैं, लेकिन जो साइमोस होते हैं उनमें जो इनफ्लोरिसेंस होते हैं वो कैसे होते हैं डेफिनिट टाइप के इनफ्लोरिसेंस देखने को मिलते हैं। इन दिस केस द मेन एक्सिस जो होती है एक्सिस स्टॉप ग्रोइंग कर दे स्टॉप कर देती है ग्रोथ, और टर्मिनल टर्मिनेट कर देती है फ्लावर को। इन किसमें टर्मिनेट कर देती है खुद को फ्लावरिंग में, जो लेटरल ब्रांच अपीयर होते हैं, और जो टर्मिनेट इन लेटरल जो ब्रांचेज होती हैं खुद को ग्रोथ स्टॉप करके टर्मिनेट कर देती है फ्लावर में, वो कैसे होते हैं सेंट्रल फ्लावर ओपनिंग फर्स्ट होते हैं। और इस टाइप के जो फ्लावर होते हैं उसे बैसिपिटल भी बोला जाता है, बैसिपिटल्स फ्लावर, और जो सेंट्रीफ्यूजल फॉर्म बनाते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये यूनिपैरस या मोनोकैसियल टाइप के होते हैं। यूनिपोरस या मोनोकैसियल जो होते हैं अगर इनकी बात करें तो इसमें ओनली वन लैटरल ब्रांच प्रोड्यूस होती है, मतलब इन केस मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है किसमें फ्लावर में, और जो लैटरल ब्रांच अपीयर होते हैं इट्स बेस अलोंग विद इंड, उनका भी बेस कैसे होता है इंड में फ्लावर ही होता है। जो लेटरल केवल सिंगल लेटरल ब्रांच इसमें अपीयर होती है। अगर एग्जांपल की बात करें इसमें कि यूनी या यूनिपैरस या मोनोकैसियल का जो एग्जांपल होता है वो होता है बिगोनिया हेमेलिया एंड ड्रोसेरा जिसे सनड्रिव बोलते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है। और ये हेलिक्वाइड्स या स्कॉर्पियो टाइप है, इसकी स्कॉर्पियोइड टाइप की होती हैं कह सकते हैं। और जो इनका पेंडिकल्स होता है इनफ्लोरिसेंस का फॉर्म करता है फ्यूजन, आप बेस से फ्यूज करता है, और जो लैटरल ब्रांच फ्लोरल ब्रांचेज होती हैं उसे क्या कहते हैं सिंपोडियल एक्सिस। अगर इनकी टाइप की बात करें तो ये दो तरीके के देखने को मिलता है, एक तो होता है हेलिकोड, दूसरा होता है स्कॉर्पियो प्यूवाइड्स। तो सबसे पहले स्कॉर्पियोइड्स को देखते हैं, इसमें क्या होता है लैटरल ब्रांच डेवलप ऑन लैटरल साइड, इनमें जो लैटरल ब्रांच होते हैं लैटरल साइड मतलब सक्सेसिव लैटरल ब्रांच विथ दियर फ्लावर एंड प्रोड्यूस अल्टरनेट साइड फ्लावरिंग, मतलब जिगजैग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जैसे रैनेनकुलस बुल्बोसम या फ्रेसिया या टिकोमा। इसका क्या होता है इसकी जो इनफ्लोरिसेंस होते हैं अल्टरनेट फॉर्म करते हैं, अल्टरनेटिवली फॉर्म होते हैं। ओके, वन बाय वन अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर इसे कहते हैं ट्रिकोमा, इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद हेलिकोइड टाइप की बात करें तो लेटरल ब्रांच डेवलप करती हैं ऑन सेम साइड पे, जिसे ड्रोसेरा इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, जो लेटरल ब्रांच होती हैं वो सेम साइड पे डेवलप करती हैं। इसमें जो किसी भी तरीके का सक्सेशन नहीं देखने, सक्सेशन होता है लेकिन लेटरल ब्रांच में होता है, एराइजेज होती हैं साइड बाय साइड। और इसका एक और एग्जाम्पल अगर बात करें तो वो होता है मायोसोटिस, भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है।
इसके बाद है बाइपैरस, जिसे डाइकैसियल बोला जाता है। डाइकैसियल जो होते हैं इसमें टू लैटरल ब्रांच देखने को मिलता है। ओके, प्रोड्यूस होता है एक्सोरा, डायन्थस इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। इन जो मेन एक्सिस होती है टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, और टू लैटरल ब्रांच अराइज होती हैं अपर नोड, बट दे ऑल्सो इंड एज फ्लावर। मतलब केवल दो लैटरल ब्रांच अराइज, लेकिन दोनों ही कैसा कब इंड हो जाती हैं, लैटरल ब्रांच कब फ्लावरिंग पे इंड हो जाती है। ईच लैटरल ब्रांच एक्ट एज मेन एक्सिस एंड डेवलप टू लैटरल ब्रांच। द ओल्ड फ्लावर जो होता है सेंटर एंड सिक्वेंस टू द यंग फ्लावर। ओल्ड फ्लावर क्या होती है, सेंटर में चली जाती है, और अदर क्या होती है, सिक्वेंस करते हैं। ओके, सिक्वेंसिंग करते हैं यंगर फ्लावर का और लेटरल पोजीशन में आते हैं। दिस इज रिपीटेड इन बाइपेडल और या सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म में। इसका बेस्ट एग्जांपल एक्सोरा या डायंथस इसका बेस्ट एग्जांपल, जिसे पिंक बोला जाता है। साइलेंस भी जिसे टकला बोला जाता है। स्पैटुलस जो होता है या बोगनविलिया जो हो गया, जैस्मिन हो गया, इसका बेस्ट एग्जांपल है डाइकैसियल इनफ्लोरिसेंस का। मल्टीपैरस या पॉलीकैसियल की अगर बात करें, इन दिस केस में क्या होता है, जो वन मोर देन टू लैटरल ब्रांचेस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द बेस ऑफ एपिकल फ्लावर। कहाँ से, एपिकल फ्लावर के बेस से बहुत सारी ब्रांचेज अराइज होते हैं। फर्दर ब्रांचिंग अकर्स इन द सेम मैनर, अदर फिर फर्दर भी ब्रांचिंग होती रहती है। इसी का कैलोट्रोपस हो गया, नेरियम हो गया, और वाइब्रम हो गया, एस्केल्पियास हो गया, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं साइमोस टाइप के। कैलोट्रोपस का पौधा आपने देखा होगा, ये देख सकते हैं आप। ये सिंपल डाइकैसियल हो गया, डाइकैसियल में देख लेंगे केवल टू लैटरल ब्रांच हो गई। इसका जैस्मिन बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद मोनोकैसियल में आप देख सकते हैं एक ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच हो गई लेटरल ब्रांच, उसमें केवल डायरेक्ट फ्लावर 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 आ गए। ओके, हेमेलिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, ये मोनोकैसियल है। इसका भी हेलियोट्रोपियम इसका दिखाया गया है बेस्ट एग्जांपल। इसके बाद कंपाउंड डाइकैसिया देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेज निकलना हो गया। पॉलीकैसिया, नेरियम आप देख सकते हैं, यहाँ से ब्रांचेज फिर से अराइजेज हो गई, यहाँ फ्लावरिंग यहाँ फ्लावरिंग। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं स्पाइरल टाइप की। स्पाइरल टाइप का इनफ्लोरिसेंस किसमें देखने को मिलता है, स्पाइरल टाइप का इनफ्लोरिसेंस। ओके, अगर स्पाइरल टाइप का इनफ्लोरिसेंस की बात करें कि स्पाइरल टाइप का जो इनफ्लोरिसेंस होता है वो कैसा होता है। स्पाइरल टाइप का जो इनफ्लोरिसेंस होता है उसमें सबसे पहला हम लोग तीन टाइप के होते हैं। इस एक तो होता है साइथियम, साइथियम टाइप का। दूसरा होता है हेपेंथोडियम टाइप का, साइथियम, हेपेंथोडियम और वर्टिसिलेस्टर टाइप। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कौन सा, साइंथियम टाइप, जो ये साइंथियम दिया गया। साइंथियम टाइप का जो फ्लावर होता है आप देख सकते हैं ये कैसा होता है, कप शेप्ड, इन्वोलक्री देखने को मिलती है। इन्वोलक्री आप देख सकते हैं ये कप शेप्ड है, दैट इनक्लोजेस वन फीमेल एंड मेनी मेल फ्लावर होते हैं। यूफोर्बिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, स्पेशल टाइप इंफ्लोरिसेंस होता है। इसका जो करेक्टर अगर एग्जांपल की बात करें, यूफोर्बिया की जो फैमिली होती है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, यूफोर्बिया का, सॉरी साइंथियम का। अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं, हेबिग्नोपेरियंथ। इसमें किसी भी तरीके का पेरियंथ आप देख सकते हैं, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं दिखेगा, इसमें पेरियंथ ये देख सकते हैं, इन्वोलक्री ये रही इसकी। ओके, इसमें पेरियंथ नहीं होता है, किसी भी तरीके का कवरिंग नहीं होती है, इसलिए ये नेक्ड होते हैं। और जो मेल होते हैं रिप्रेजेंटेड एज सिंगल स्टाल्क रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टेमन और फीमेल फ्लावर जो होते हैं सिंगल स्टाल्क जो होते हैं वो ये ट्राइकार्पी पिस्टिल दिखाते हैं। ओके, ट्राइकार्पी ये फीमेल फ्लावर हो गई, ये मेल फ्लावर, ये ट्राइकार्पी पिस्टल आप देख सकते हैं, एक दो तीन ट्राइकार्पी पिस्टल दिखाते हैं। और जो मेल होते हैं वो क्या दिखाते हैं, स्टेमन टाइप का दिखाते हैं। ओके, स्टेमन टाइप का डेवलप करते हैं, ये रहा, स्टेमन टाइप का डेवलप करते हैं। ओके, तो और जो फ्लोरल एक्सिस होती है बेरी कंडेंस होती है, फाइव आर मोर मेल फ्लावर देखने को मिलते हैं स्टाल्क में, स्टेमन में।
और वन फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो स्टाल पिस्टल में अरेंज होते हैं, और इस ग्रुप को फ्लावर को अरेंजमेंट होता है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर या इन्वोलक्री फॉर्म करते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर और फॉर्मिंग द फ्यूजन ऑफ ब्रैक्ट से, ये ब्रैक्ट से कवरिंग होती है, ब्रैक्ट की जो कवरिंग होती है इसमें, ब्रैक्ट की कवरिंग होती है, हाफ मून टाइप का शेप कर सकते हैं, हाफ मून टाइप की इसमें ग्लैंडिंग पाई जाती है, और प्रेजेंट होते हैं माउथ, यहाँ पे ये देख सकते हैं माउथ प्रेजेंट होता है इन्वोलक्री में, अगर यूफोरबियासिस का बेस्ट एग्जांपल होता है। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ आपका वर्टिसिलेस्टर टाइप का। ओके वर्टिसिलेस्टर की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑसिमम सॉल्विया, तुलसी का पौधा आपने देखा होगा, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है सोलिस्टर टाइप का। इसमें क्या होता है डाइकैसियल जो होता है काइम देखने को मिलता है, डाइकैसियल अभी आप लोग पढ़ के आए हो, जैसे ये ब्रांच हुई तो यहाँ पर क्या होगा लैटरल ब्रांच ग्रो कर जाएगी, डाइकैसियल काइम रिड्यूस टू स्कॉर्पियोइड काइम को, वन आर ईच साइड हैव नोड, ईच साइड क्या रखती है नोड को रिप्रेजेंट करती है, इसमें ये क्लस्टर फॉर्म में ग्रो करते हैं, सेसाइल होते हैं, ऑलमोस्ट सेसाइल फ्लावर अपीयर्स कहाँ पे होते हैं एक्सिस पर, एक्साइल ऑफ लीफ एंड फॉर्मिंग द फॉल्स वर्ल फॉर्म करती है, या वर्टिसाइल एट द नोड पे वर्टिसाइल हो जाती है, और इक्वेरिस एक्सिस देखने को मिलता है, इसका जो एक्सिस होता है इक्वेरिस टाइप का, ये देख सकते हैं इक्वेरिस टाइप का देखने को मिलता है, एक इक्वेरिस फॉर्म करता है, और जो इन्फ्लोरिसेंस होता है फर्स्ट तो डाइकैसियल काइम फॉर्म करता है और रिड्यूस्ड टू स्कॉर्पियोइड काइम को और टू साइड को रिड्यूस करता है। ओके और जो ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स इन्फ्लोरिसेंस होता है, ये ज्यादातर देखने को मिलता है किस फैमिली में, लिबिएटी जो फैमिली होती है उसमें देखने को मिलता है, जो ऑसिमम है उसी लिबिएटी फैमिली का मेंबर होता है, ऑसिमम सिनेक्टम सॉल्विया कैलियस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इतना जानते रहिए कि ये क्लस्टर में फॉर्म होता है, डाइकैसियल काइम रिड्यूस हो जाता है, स्कैर्पोइड काइम जो होता है वन ऑन इस साइड नोड पर फॉर्म होता है, स्कैर्पोइड यहाँ से यहाँ तक फॉर्म होता है, ये आप देख सकते हैं ये स्कैर्पोइड फ्लावर होता है ब्रांच टाइप में दोनों साइड में। इसके बाद आ गया हेपेनथाइड टाइप में, हेपेनथाइड क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं, हेपेनथाइड टाइप का जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो हेपेनथाइड में क्या होता है, इसमें कप शेप्ड रिसेप्टिकल से देखने को मिलता है, ये जो ये कैसा होता है कप शेप्ड रिसेप्टिकल विथ ओपनिंग, मेल फ्लावर नियर द ओपनिंग ऑफ कम कप, सॉरी जो मेल फ्लावर होता है वो कप की ओपनिंग पे रहता है, ये देख सकते हैं ये मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर एट द बेस, फीमेल फ्लावर कहाँ पे हो जाती है बेस पे होती है, एग्जाम्पल फीकस या पीपल या बनियान का जो फूल होता है उसको कहते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल होता है, ये जो होते हैं फ्लैसी होते हैं रिसेप्टिकल फॉर्म होते हैं, हॉलो कैविटीज में देखने को मिलते, देख सकते हैं कैविटी कैसी है हॉलो देखने को मिल रही है, मोर और लेस पियर शेप्ड में होते हैं, इसे पियर शेप्ड कह सकते हैं, कप शेप्ड के बजाय पियर शेप्ड इज बेटर। ओके पियर शेप्ड होते हैं और ये क्या होते हैं नैरो इसमें एपिकल ओपनिंग देखने को मिलते हैं, नैरो एपिकल ओपनिंग ये यहाँ पे एपिकल ओपनिंग ये नीचे की तरफ से ओपनिंग देखने को मिलते हैं, नैरो एपिकल ओपनिंग भी देखने को मिलती है, और स्केली होता है और जो कैनाल होते हैं लाइन भी डाउनवर्ड्स में लाइन होती है, पॉइंटेड हेयर देखने को मिलता है इंटरनली, और रिसेप्टिकल बियर करते हैं फ्लावर को पोर को ये बियर करते हैं, और इसका अगर फ्लावर जो होता है टूवर्ड्स द बेस देखने को, मैंने बताया ना फ्लावर टूवर्ड्स द बेस होता है, और जो मेल फ्लावर होता है वो कहाँ पे होता है नियर द कप पे होता है, तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया, यूफोरबिया पीपल हो गया बनियान हो गया उसका और फीकस का जो फूल हो गया। तो अगर अगर ये हम आ जाते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की कि इन्फ्लोरिसेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इन्फ्लोरिसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम ऑफ द प्लांट इज प्रोवाइड चेंज चांस टू द क्रॉस पॉलिनेशन के लिए चांस प्रोवाइड करता है,
इट मेक कॉन्स्पिकुअस अट्रैक्शन टू द इंसेक्ट. ये कॉन्स्पिकुअस इंसेक्ट को पॉलिनेटर को जो होता है अट्रैक्ट करने का काम करता है. और जो लार्ज इनफ्लोरिसेंस होते हैं इन्हांस करते हैं चांस ऑफ पॉलिनेशन को इन्हांस करते हैं. सिमल्टेनियसली मेनी फ्लावर में जैसे एक बनाना हो गया उसमें क्या होता है जो लार्ज इनफ्लोरिसेंस होता है वो अट्रैक्ट करता है. और इंसेक्ट कैन पॉलिनेटेड मेनी फ्लावर इन सिंगल विजिट में ही जो होता है वो फ्लावर को वो कर देते हैं पॉलिनेट करने में हेल्प करते हैं. तो अगर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें जाते जाते तो इन्वोलिक्रल जो होता है वो होल ऑफ स्मॉल ब्रैक्ट होता है एट द बेस ऑफ सेकेंडरी अम्बेल. अगर एंथ्रोटैक्सिक की बात करें तो ये अरेंजमेंट होता है फ्लावर का ऑन द एक्सिस ऑफ पेडिकल्स. एक्रोपिटल टाइप का हो सकता है एंथ्रोटैक्सिस या बेसिपिटल टाइप का या सेंट्रिपिटल टाइप का हो सकता है. एस्ट्रोबाइल की बात करें तो एक तरीके का स्पाइक होता है इन विच फ्लावर डेवलप करते हैं. एक्साइल ऑफ द परसिस्टेंट मेम्ब्रेनस ब्रैक्ट की तरह जिसे ह्यूमलस कर सकते हैं होप कर सकते हैं. हाइथ्रसस एक टाइप का मिक्सचर इनफ्लोरिसेंस होता है जिसे थायरसस बोलते हैं. और ये साइमोस क्लस्टर अरेंजमेंट होता है एक्रोपिटल टाइप का जैसे ग्रेप्स वाइन जो होता है ये उनको कहते हैं थायसस टाइप का. इसके बाद जो प्यूवा और रेमेडी होता है लार्जेस्ट इन्फ्लोरिसेंस होता है इन द वर्ल्ड जिसे क्या बोलते हैं प्यूवा प्यू या रैम RAIMONDII. ओके रेमोंडी. ये जो होता है लार्जेस्ट होता है इन्फ्लोरिसेंस है किसका जितनी भी दुनिया में इन्फ्लोरिसेंस पाए जाते हैं ये सबसे बड़ा इन्फ्लोरिसेंस होता है. इसके बाद सिनेंथियम जो होता है ओपनिंग होती है हाइपोथेडियम का. इसके बाद पेलोइड ब्रैक्ट जो होता है वो पाया जाता है बोगेनवेलिया में. लार्जेस्ट इंडियन इन्फ्लोरिसेंस की अगर बात करें ये तो वर्ल्ड का हो गया पोया. अगर वर्ल्ड इंडियन की बात करें कि इंडियन जो इन्फ्लोरिसेंस सबसे बड़ा कौन सा होता है वो होता है एमार्फोफैलस जो होता है. एमार्फोफैलस जो होता है वो इंडियन इन्फ्लोरिसेंस में सबसे बड़ा होता है. लॉन्गेस्ट इन्फ्लोरिसेंस अगावा का होता है. अगर इडिबल इन्फ्लोरिसेंस करें खाने वाला जो इन्फ्लोरिसेंस हम लोग खाते हैं वो कलीफ्लावर है. गोभी जो फूल गोभी आती है उसको इडिबल फ्लावर बोलते हैं. मोस्ट कॉमन इन्फ्लोरिसेंस स्पाइक होता है. और रेफिडियम स्कॉर्पोइड काइम जो होता है वो लैटरल ब्रांच्ड होता है प्रेजेंट ऑन द सेम पॉइंट पे जैसे सोनानम निग्रम में देखने को मिलता है. और सिनिसम स्कॉर्पोइड काइम जो होता है लैटरल ब्रांच होते हैं प्रेजेंट होते हैं एंगुलर प्लांट्स पे. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्फ्लोरिसेंस है. और जो इंडिया का है वो क्या है एमॉर्फस फैलस होता है. और जो एडिबल इन्फ्लोरिसेंस होता है वो होता है कलीफ्लावर. और लॉन्गेस्ट इन्फ्लोरिसेंस अगावा. ये कुछ सेंटेंस है इसको भूलिएगा नहीं. तो जाते जाते ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने बताना जरूरी समझा. कल आप लोगों को हम कवर करेंगे आप लोगों के साथ में कौन सा फ्लावर को फ्लावर के डिफरेंट पार्ट को कवर करेंगे. इसके बाद फ्लावर के बाद हम लोग आएंगे सीड पर. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और जाने से पहले यार वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूला कीजिए ताकि नई जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे. और वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं कभी कभी हम लोग मिस कर जाते हैं. तो एक बार के बजाय दो तीन बार देखा कीजिए ताकि वो माइंड में सेटअप रहे. ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाय बाय. कल मिलते हैं फ्लावर के साथ.